हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मनु के डर की वजह से पता नहीं मैंने दीदी को कितना गलत बोल दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। मैं दीदी को इतना गलत कैसे बोल सकती हूँ? कैसे सामना करूंगी उनका? क्या हुआ प्रीति? दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं मेरे मुंह से आपके लिए इतना गलत कैसे निकल गया। मेरा यकीन मानिए दीदी, दीदी भगवान के बाद मेरे लिए आप हैं और मैं आपसे आपसे इतना सब गलत कह गई। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, इस बदतमीजी के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज प्रीति, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तुमने कोई गलती नहीं की, मैं तुमसे नाराज नहीं। मैं बस ये सोच रही हूँ कि मन्नू को देखकर तुमने ऐसे क्यों रिएक्ट किया? अगर ये मर गई और कौन कौन मरेगा इसके साथ? पहले तो बल्लू भैया, वे मेरी एंड उसके बाद आप प्रीति भाभी, एक नन्ही सी जान के साथ तीन तीन परेशान। ओ माय गॉड, क्या हुआ प्रीति? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। वो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही। वो दीदी असल में बात ये है कि वो मनु मनु अच्छा इंसान नहीं है। प्रीति तुम ये क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ, मनु सही इंसान नहीं है। क्यों? मनु ने ऐसा क्या किया? नहीं, वो वसुंधरा बुआ जी का बेटा है ना, तो इसीलिए डर लगता है। प्रीति वो भले ही मम्मी जी का बेटा लेकिन इंसान वो बहुत अलग है। और तुमसे अच्छा मनु को कौन जानता? भूल गई क्या कितने दिनों तक उसने तुम्हें संभाल कर रखा, तुम्हारी इतनी अच्छी देखभाल की है। दीदी मैं भी उसे ही सच मानती थी, पर उसकी सच्चाई जानने के बाद उसका असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। पर अफसोस, मैं कसक की वजह से किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। दीदी मैं बस यही सोच रही थी कि आप सही कहती हैं, शायद मेरा ही नजरिया गलत है। मनु ऐसा नहीं है, मुझसे उसे पहचानने में कहीं ना कहीं कोई कोई भूल हो गई है। तुम कहो तो मैं तुम्हें एक गाना सुनाऊं। बिल्कुल नहीं। Excuse me, इतना भी बुरा नहीं गाता हूँ मैं। अरे बाबा तुम अच्छा गाते, लेकिन क्या है ना, यहाँ अगर सबके सामने गाओगे तो लोग तुम्हारे सिंगिंग टैलेंट को पहचान नहीं पाएंगे। सबसे पहले ना मेरी खिंचाई करना बंद करो और इल्जाम लोगों पर लगाना बंद करो। ओके? मैं तुम्हारी खिंचाई नहीं कर रही, ये तो मेरे प्यार करने का स्टाइल है। स्टाइल है? गार्डन में बैठे हुए लोगों को देखा, कभी प्यार करते हुए कैसे एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खोए रहते? वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हम दोनों हस्बैंड वाइफ, समझे? यही तो प्रॉब्लम है, शादी के बाद सब प्यार खत्म हो जाता है। लेकिन मैं तुम्हें बुढ़ापे तक प्यार करूंगा। अपने डैड की तरह किसी और की बीवी के साथ रोमांस करते फिरोगे? मैं क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ, और जो तुम्हारे डैड कर रहे हैं वो ठीक है। डैड? वहाँ देखो तुम्हारे डैड क्या।
बाप इस उम्र में रोमांस करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? शिल्पा, कुछ भी बोलने से पहले ये मत भूलो कि वो हमारे बड़े हैं। अच्छा, बड़े होने से क्या बेशर्मी का लाइसेंस मिल जाता है? अरे, कम से कम अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का ख्याल रखें। घर कम पड़ गया था जो पब्लिक प्लेस में रोमांस कर रहे हैं। शिल्पा, जो भी बोल रहे हैं सोच समझ कर बोलो, समझे? देखो, तुम ना समझ बने रहो पर मैं अपनी आंखें मूंद करके नहीं बैठ सकती। अगर ये पब्लिक प्लेस नहीं होती ना तो क्या करते? मुझे थप्पड़ मारते ना? हाँ, अरे घर में तो तुम बहादुर बने रहते हो। अगर हिम्मत है तो सबके सामने अपनी जुबान खोलकर दिखाओ। देखो शिल्पा, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन क्या कह चुके? जो कहना है तुमने कह दिया। एक बात मेरी ध्यान से सुनो, अगर यही सब ऐसा चलता रहा ना तो मैं इस घर में नहीं रहने वाली। अपने डैडी को ये बात अच्छी तरह से समझा दो, समझे? देखो सासनी, आज मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है कि चंद बातें ऐसी होती हैं जो घर में नहीं की जा सकती, यहां अकेले में हो सकती हैं, इसलिए मैं तुमसे यहां कुछ कहना चाहता हूं। अब कहने के लिए बचा ही क्या? देखो सासनी, मैं मानता हूं कि मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, और ऐसा भी नहीं कि जब मैंने गलती की तो मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि मैं गलत हूं, बल्कि मेरा तो मानना है कि हर इंसान का जमीर उसकी गलती के वक्त उसे टोकता है, लेकिन फिर भी इंसान उन गलतियों को नजरअंदाज करता चला जाता है, जमीर की उस आवाज को नजरअंदाज करता चला जाता है। क्यों? क्योंकि शायद वो ये सोचे बैठा है कि वो कितना ही गलत क्यों ना कर ले, लेकिन उसके साथ कुछ गलत ना हो। लेकिन वो भूल जाता है कि कुदरत का निजाम और नियति का खेल ऐसा नहीं है, हर इंसान को उसके किए की सजा भुगतनी है, जो बोएगा सो वही पाएगा। लेकिन शायद मैं भी उस वक्त ये बातें भूल गया था। कावेरी को ही देख लो ना, कावेरी बहू बन के घर में दाखिल हुई तो मैंने और दी ने क्या कुछ नहीं किया उसके साथ, कितने जुल्म किए हमने और उस बेचारी ने कितना कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी, मुझे बार बार सुधारने की कोशिश करती रही, मुझे समझाती रही कि मेरी राह गलत है, लेकिन मैं नहीं माना। इस वीके राजपूत के बदलने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है मेरा बेटा रोहित। उसकी कुर्बानियों का नतीजा है कि आज तुम बी के राजपूत के अंदर इतना बदलाव पा रही हो, और सबसे बड़ी बात, जब प्रीति मेरी जिंदगी में शामिल हुई उसे देखकर ही मुझे एक अपनापन सा लगने लगा था, दिल में हमेशा खुशी महसूस होती थी, लगता था कि कोई मेरा अपना है, और मेरा यकीन मानो सासनी, उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं। तुम जानती हो सुहासिनी, तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी यादें मेरे दिल में हमेशा समाई रहीं। मैं कभी उन यादों को अपने दिल से मिटा नहीं पाया, और शायद इसी वजह से आज भी जब जब तुम्हें देखता हूं तो अपनी उसी गलती का एहसास होता है और खुद पर शर्मिंदा हो उठता हूं। यकीन मानो, मेरी एक रात ऐसी नहीं गुजरती जब मैं चैन से सो पाऊं, रात रात भर सो नहीं पाता और ये सोचता रहता हूं कि काश उस वक्त मैंने ये गलती नहीं की होती, काश उस वक्त मैंने तुम्हें अपना लिया होता। और मैं ये सोचती रही कि काश हम कभी मिले ही ना, काश तुम मेरी जिंदगी में कभी आए ही ना। हम ऊपरी तौर पे कितना ही क्यों ना कहें कि हम बदल चुके, पर मर्द कभी नहीं बदलता, पति हो या प्रेमी, हमेशा औरत पर अपना अधिकार ही समझता है, और अगर उन्हें ऐसा लगे कि उनके अधिकार पर किसी का साया पड़ गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। इन सब की सजा मिलती है तो सिर्फ औरत को।
काश उस वक्त उस पल में कमजोर ना पड़ी होती, मैंने वो भूल न की होती तो आज इस हाल में ना होती। मुझे और मेरी बेटी को इन तकलीफों से ना गुजरना पड़ता। आज मेरी जिंदगी में जो दुख है वो उस कमजोर पल में की हुई भूल की वजह से है। जो गलतियां हम कर चुके हैं, हम पीछे मुड़कर उन गलतियों को सुधार तो नहीं सकते, लेकिन इतनी कोशिश जरूर कर सकते हैं कि वो गलतियां दोहराई ना जाएं। मौसी, अभी बल्लू की प्रॉपर्टी मेरे नाम पर ट्रांसफर नहीं हुई, अंकल मामा की जायदाद का कोई ठिकाना नहीं है, और आप चाहती हैं कि उससे पहले जो कुछ मेरे पास बचा वो मैं आप पर लुटा दूं? क्या बात है, क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं रोहित भैया, बस यूं ही। ऐसे ही? ऐसे ही तो कुछ बातें तो होंगी ना बेटा? हम तो घर की चिंताओं से ही चिंतित हो रहे हैं कि देखो ना, जैसे प्रीति गई सुहासनी आ गई। चलो प्रीति का तो फिर भी इस घर में हक बनता था, लेकिन सुहासनी तो यहाँ किसी को कुछ कहने का कोई फायदा नहीं। सब लोग यहाँ अपने आंख और कान मूंद कर बैठे। अरे शिल्पा, तुम कौन से रास्ते से आई हो? मैं तुम्हें पूरे रास्ते ढूंढता रहा। मुझे क्यों ढूंढ रहे थे भला, अब मुझसे क्या काम? जाओ जाकर अपनी नई मम्मी को ढूंढो, उनके साथ जाके बातें करो। नई मम्मी? तो क्या बीके भाई साहब ने सुहासनी से विवाह कर लिया? आप चुप रहिए, बिना बात के बीच में मत बोलिए। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, मेरा मतलब था कि अगर विवाह संपन्न हो गया है तो विधि विधान से उनके स्वागत की तैयारी करें। हालांकि सुहासनी का नाता इस घर से पहले से है, लेकिन बहू तो वो अभी अभी बनी है ना। मैंने कहा ना आपसे चुप रहिए, कोई शादी नहीं हुई है उनकी। नहीं हुई है तो हो जाएगी। सुजाता आंटी, आप तो अपनी नई बहू के स्वागत की तैयारी कर ही लीजिए। शिल्पा। अरे रोहित भैया, आप प्लीज चिल्लाइए मत भाभी पर। अरे हमारे इंग्लैंड में तो कोई भी किसी भी उम्र में कितनी भी शादियां कर लेता है, इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात? मनु, अब तुम भी बीच में मत बोलो। अरे भैया, मैं तो सबकी भलाई की बात कर रहा था। प्लीज, मुझे किसी की भलाई नहीं चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हारे अकेले रहने से तुम्हारे डैडी अकेले नहीं हो जाए। इससे पहले कि वो कोई बेवकूफी करे, जाओ जाकर उन्हें रोक लो। अरे जब मैं तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोक पाया तो उन्हें क्या रोकूंगा? शादी के बाद तो मैं निकम्मा हो गया। इनकी सारी दादागिरी, सारे ताने, सारी कारी बातें सिर्फ मेरे लिए। दूसरों को कुछ कहने के लिए कहो तो जबान निसल जाती है। शिव शिव शिव। मंदु बेटा, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हमने सोचा था। यस मौसी, और ये सब देखकर मुझे लगता है कि अब मुझे मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ मन्नु बेटा, तो थोड़ा माल ना मुझे भी प्रदान कर दो। मौसी, आपकी यही बात जो है ना, मुझे बहुत इरिटेट करती है। पैसा 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 हर वक्त। अरे पहले मेरे पास पैसा आ तो जाने दीजिए, अभी इस बात का ठिकाना ही नहीं है। अंकल मामा ने अगर रोहित का हिस्सा उठाकर प्रीति को दे दिया तो? अरे इतने तो ठीक कह रहा है, लेकिन प्रीति का उस घर में हो क्या रहा होगा? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ मौसी, मेरी धमकी का असर प्रीति पर हुआ भी है या नहीं। मुझे अपनी तो कोई फिक्र नहीं, लेकिन मैं कसक के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। मैं जानती हूँ मनु कितना खतरनाक है, वो घर में आकर कुछ भी कर सकता है। अरे कैसे कुछ भी कर सकता है, जब उसकी असली माँ यहाँ है
तो वो यहाँ रहकर क्या कर लेगा? देखो प्रीति, एक ही घर में रहते हुए हम दोनों कब तक एक दूसरे से नजरें चुराते रहेंगे? मैं तो पुरानी सारी बातें भूल चुकी, और वैसे भी अब तो हम दोनों के बीच में असली सास बहू का रिश्ता है ना, और सास बहू में कितनी भी खटपट हो प्यार तो रहता ही है ना। जी, मुझे बहुत काम है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। देखो प्रीति, मुसीबत का सामना करोगी तभी तो मुसीबत टलेगी, वरना वो तो मुंह बाए खड़ी रहेगी। मुझ पर तो कोई मुसीबत नहीं। लो, मुसीबत खुद घर में आकर तुम्हें धमकी देकर गई है, और तुम कह रही हो कि कोई मुसीबत नहीं है। प्रीति, मैंने तुम्हारी और मन्नू की बातचीत सुन ली है। दूसरों की बातें छुप छुप कर सुनना तो आपकी पुरानी आदत है, अब इसका मैं क्या करूं? करना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना, क्योंकि खतरा भी तुम पर है। वैसे मैं जानती हूँ कि पीछा नहीं छोड़ेगा, बहुत मक्कार इंसान है वो, मुझ पर गया है ना। वो मैं समझ चुकी और इतना भी जान गई कि ऐसे लोग कभी सुधरते नहीं है, उन्हें तो बस मौके की तलाश रहती है, मौका मिलते ही अपना असली रंग दिखा देते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तो सुधर चुकी हूँ, बिल्कुल सुधर चुकी हूँ। अच्छा, शक्ल से तो नहीं लग रहा। सही है, बिल्कुल सही है। जब जब तुम्हें कावेरी की शय मिलती है, तुम खुद को मलका हिंदुस्तान समझने लगती हो, और जो मुंह में आए वो बके चले जाती हो। खैर, मुझे क्या, मैं तो बस तुम्हें सलाह देने आई थी कि मन्नू की सच्चाई सबको बता दो, बाकी मैं सब देख लूंगी। क्या कहा आपने? आप अपनी देखभाल तो अच्छी तरह से कर नहीं सकते। आप जानती हैं ना, कावेरी दीदी ने आपको इस घर में रखा है, इसलिए आप यहाँ पे रह रही हैं। ऊपर से कह रही है कि मैं सब कुछ देख लूंगी। हाँ, कोई बात नहीं, आज मेरे पांव कीचड़ में फंसे हुए ना, इसलिए हर कोई आता जाता मुझ पर ताने कसता और हंसता है। खैर, सबके दिन आते हैं, और कईयों के दिन लद भी जाते हैं, और फिर लौटकर कभी आते भी नहीं। देखो प्रीति, मेरे तुम्हारे साथ दो दो रिश्ते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम एक बार तो तुमसे कह ही दूं कि मन्नू के खिलाफ मैं तुम्हारे साथ हूं। वैसे भी मैं तो सिर्फ सलाह ही दे सकती हूँ, और क्या कर सकती हूँ। अब ये दूसरों पर है कि वो सलाह लेना चाहें या ना लेना चाहें। मेरा तो वक्त ही बुरा चल रहा है, पहले भाई ने घर से निकाला, फिर बेटा दुश्मन बन गया, फिर यहां आई हूं तो शैपाली ने मुझे नौकरानी जैसा बना रखा है, और आजकल तो वो प्रीति भी कुछ कहो तो काट खाने को दौड़ती है। पहले मेरा राज हर किसी पर चलता था, अब कोई मेरी बात सुनने तक को तैयार नहीं। मेरा ऐसे ही रहा तो मैं तो बहुत जल्दी सदमे में मर जाऊंगी। ये वसुंधरा, तू क्यों मरेगी? मरे तेरे दुश्मन? वैसे भी तू सचेत नहीं रहेगी तो ये शैपाली की बच्ची तुझे कच्चा चबा जाएगी। आज भी जरूर वो कोई नया बहाना ढूंढ रही होगी मुझे परेशान करने का। इससे पहले कि कुछ सोच कर आए, मुझे कुछ करना चाहिए।